नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। लद्दाख में शहीद हुए गणेश हांसदा को राजकीय सम्मान के साथ दी गई विदाई, अंतिम यात्रा में उमड़े सैकड़ों लोग। चीन के हमले के बाद लोगों में आक्रोश, चीन के राष्ट्रपति का पुतला और झंडा को जलाया गया। मानगो के जवाहर नगर में चोरी की ऑल्टो कार लावारिस स्थिति में मिली, पुलिस कर रही जांच। खबरें अब विस्तार से। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प में शहीद गणेश हांसदा की अंत्येष्टि आज राजकीय सम्मान के साथ की गई। शहीद का पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से बहरागोड़ा के कोसा फलिया गाँव पहुँचा। पार्थिव शरीर के पहुँचते ही पूरे गाँव के लोग रो पड़े, सबकी आंखें नम थी। ग्रामीणों का हुजूम अपने लाल को देखने के लिए उमड़ पड़ा। जय हिंद के नारे से इलाका गुंजायमान हो गया। इस दौरान शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा की गई। शहीद गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर सेना के वाहन से घर तक लाया गया। शहीद गणेश की मां एवं परिजन शव से लिपट कर रो पड़े। घर से कुछ दूर शहीद की पैतृक जमीन में ही दाह संस्कार किया गया। घर से सेना के जवान पार्थिव शरीर को लेकर दाह संस्कार स्थल पहुंचे और फिर शहीद गणेश हांसदा को अंतिम सलामी देने के बाद अंत्येष्टि दी गई। कोसा फलिया गांव में सांसद विद्युत वरण महतो, भाजपा नेता डॉक्टर दिनेश गोस्वामी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश सारंगी, SSP समेत तमाम पदाधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। लाल वीर जवान चढ़ा गणेश संस्था का पार्थिव शरीर आई है। उनके परिवार के साथ आदमी के साथ सारा सभी परिवार के साथ हम लोग उनको विदा किया है और उनके परिवार के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी साथ है। उनके तरफ से किसी तरफ का हमको जरूरत है तो ये हम लोग जरूर करने के लिए तैयार है। इसके अलावा यहाँ पर जो रोग अब देख रहे हैं काफी सारे 10,000 के ज्यादा लोग आए हुए, सभी लोग अपना इसी उत्साह के साथ हम भी दोबारा भी आर्मी में जाएंगे और हम देश के लिए अपना फिर लड़ाई करेंगे, देश के लिए सबकी सेवा करेंगे, इन लोगों का मन। इधर सांची बसंत टॉकीज गोल चक्कर पर शहीद चौक पर भारतीय जन मोर्चा की ओर से चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। भारतीय जन मोर्चा के कोल्हान प्रभारी संजीव आचार्य ने चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार करने की अपील की और चीन का कार्रवाई को कार्यार्थता बताया। पिछले दिनों चीन की कायरतापूर्ण रवैया पूरे देश दुनिया ने देखा। हमारे वीर जवानों को जिस तरह से धोखे देकर उनके ऊपर हमला किया गया, जवाब में भारतीय सेना ने भी चढ़ कर मारा है। हम लोगों ने आज चीन के उन कायरतापूर्ण रवैये के विरोध में चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया, साथ ही चीनी झंडा का हम लोग जलाकर पूरे हिंदुस्तान में युवाओं को हम लोग आह्वान करते हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार करें। चीन की गुंडागर्दी, चीन की दादागिरी को अगर तोड़ना पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में है और हम लोगों को भरोसा है कि प्रधानमंत्री इसका माकूल जवाब देंगे। भारत के युवा, हम लोग इस देश की मिट्टी को हम लोग नमन करते हैं जिसने इतने वीर महान पुरुषों। उधर जवाहर नगर रोड नंबर 6 में चोरी की ऑल्टो कार लावारिस स्थिति में मिली, स्थानीय लोगों की सूचना पर मानगो पुलिस कार थाने ले गई। चोरी की लावारिस स्थिति में मिली ऑल्टो कार में ब्लैक ग्लास लगा हुआ है, जहां पर कार पड़ी मिली। वहां बगल के घर में लगे CCTV कैमरा में एक युवक द्वारा कार खड़ी कर जाने का फुटेज मिला है। स्थानीय व्यक्ति सोहेल खान ने बताया कार के संबंध में उसके द्वारा मानगो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर मानगो पुलिस कार थाने ले गई। वहीं मानगो थाने के ASI रिमंत कुमार पान ने बताया सूचना पर पहुंचकर कार की जांच की गई।
कार के दरवाजे खुले थे। पुलिस कार को जब्त कर थाने ले आई है और मामले की जांच की जा रही है। पूरे अगल बगल बस्ती वालों से पूछ लिया, किसी के यहाँ ये गाड़ी आई नहीं है। उससे जाहिर होता है ये गाड़ी कोई चोर लगा के भाग चुका है यहाँ से। तो हमने तत्काल में मानगो थाने के इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। हमने बोला देखिए ऐसे ऐसे बात है, सूचना मिली है, गाड़ी हमारे क्रॉस 6 नंबर में खड़ी हुई है, ये चोरी की गाड़ी है। इसको देखते हुए हम ये सोच रहे हैं कि प्रशासन इसकी जाँच करे और तय तक जाए कि कौन चोर है इस क्षेत्र में, जो इस तरह से हरकतें बार बार कर रहे हैं इस क्षेत्र की चोरी। गाड़ी पूरा ब्लैक फिल्म है, इसका लॉक भी खुला हुआ है। उसके बाद हमने प्रशासन को सूचना दी कि इस तरह से यहाँ एक गाड़ी खड़ी है लवारिस हालत में, चोरी की गाड़ी है, चोर लगा के यहाँ लगता है जा चुके हैं। कब से ये गाड़ी है यहाँ? ये गाड़ी कल सुबह 9 बजे से यहाँ। तो गुप्त सूचना मिली कि 8 नंबर में ये एक लवारिस गाड़ी खड़ी है, गेट सब खुला हुआ है। उसी को आकर के हम लोग जाँच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि गाड़ी सही है गलत है, कौन ले गए हैं नहीं लिए हैं, उसका अनुसंधान कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसको जांचोपरात जैसा होगा आगे कार्रवाई किया जाएगा। जब आए थे गाड़ी को खोल के देखे, खुला था ना, लॉक था? नहीं, गाड़ी खुली है, आगे का गाड़ी ये सब खुला हुआ है, लेकिन हैंडल वगैरह ये सब लॉक है, चाबी नहीं है गाड़ी का। हाँ, आसपास पूछताछ किए तो बता रहा है कि ये कल से गाड़ी खड़ी है, तो इसी का भी हम लोग जान। वही कदमा पुलिस ने 3 अपराध कर्मियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पकड़ाए अभियुक्तों में भाटिया बस्ती नेताजी पथ निवासी रघुनाथ मुन्ना उर्फ रघु, टैंक रोड निवासी शिवम मुखी और बजरंग अखाड़ा निवासी शुभम मुखी शामिल है। तीनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पूछताछ के बाद तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने शुक्रवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने इनके पास से 4 मोबाइल और बाइक भी जब्त किया है। बताया जाता है कि उलियान हरि मंदिर के पास पुलिस रात्रि गश्ती पर थी, तभी वहां से एक बाइक पर सवार 3 युवक गुजरे। पुलिस को देखकर तीनों तेजी से भागने लगे, तभी पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया। जांच करने पर रघुनाथ मन्ना की कमर से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ। थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि पकड़े गए तीनों अपराधी में रघुनाथ मन्ना बेहद ही शातिर अपराधी है, पूर्व में भी वह आर्म्स एक्ट और लूट के आरोप में जेल जा चुका है। मत बोल, ₹18,000-2020 की रात्रि में लॉकडाउन का उल्लंघन के लिए कदमा थाना पुलिस और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में चेकिंग पॉइंट पे चेकिंग लगाया गया था। इसमें हरि मंदिर के पास हम लोग चेकिंग कर रहे थे, उसी दरमियान जो है अपाचे बाइक से 3 व्यक्ति तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए भागने की कोशिश की। इसको हम लोग खदेड़ कर पकड़े। पकड़ने के दौरान जो है सभी की तलाशी ली गई। एक रघुनाथ मन्ना नाम का पूर्व अपराधी जो पहले भी रंगदारी और आम सिगरेट केसेस में जेल जा चुका है, उसके कमर से देसी पिस्टल, लोडेड देसी पिस्टल मिला। 2 बार जेल जा चुके हैं और इनके 2 साथी जो हैं वो इनके साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, प्रयास कर रहे हैं अपना नाम पहचान बनाने के। और उत्पाद विभाग ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब बरामद किया है। विभाग की टीम ने इस कार्रवाई के दौरान 4000 किलो जावा महुआ और 300 लीटर महुआ शराब बरामद किया है। उत्पाद विभाग ने सीताराम डेरा थाना अंतर्गत उरांव बस्ती एवं बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकड़ी हरिजन बस्ती में अवैध शराब बिक्री स्थलों में छापेमारी कर अवैध शराब बरामद कर उसे जब्त कर लिया। बिरसा नगर थाना अंतर्गत हुरलुंग में एक अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टी को उत्पाद की टीम ने ध्वस्त कर दिया। वहां मिले जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। घटनास्थल से भारी मात्रा में महुआ शराब भी बरामद किया गया, जिसे जब्त किया गया है। इस अवैध कार्य से संलिप्त लोगों के खिलाफ फरार अभियोग दर्ज किया गया है। मिला ना, नहीं टूट गया ना उसका, तो नया बन मजा लगा।
साथ ही आपको बता दें, 3 महीने तक कपड़ा चप्पल दुकानें और मॉल बंद रहने के बाद शुक्रवार को दुकानें खुली। पहले दिन रहने के कारण दुकानों में इक्के दुक्के लोग सामान लेने पहुंचे। लॉकडाउन में 3 महीने तक कपड़ा जूता चप्पल की दुकानें और मॉल बंद रहे। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश में पूरे झारखंड में शहरी क्षेत्र में शुक्रवार को ये दुकानें और मॉल खुले। पहला दिन रहने की वजह से दुकानों में इक्के दुक्के ग्राहक सामान खरीदने पहुंचे थे। दुकानदार हरदेव सिंह और गुरमिका सिंह ने बताया, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का अनुपालन किया जा रहा है। वहीं मलिका ग्राहक नीतू कुमारी ने बताया, बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना जरूरी था, इसलिए दुकान से कपड़ा उन्होंने खरीदारी की। सोशल डिस्टेंस करके बेच रहे हैं, हाथ में ग्लव्स है, सैनिटाइजर है, ग्राहक आ रहा है उसको पहले सैनिटाइजर करा रहे हैं, 1 मीटर की दूरी पर रख रहा हूँ, उसके बाद मैं कपड़ा दिखा रहा हूँ। क्या बता रहे हैं ग्राहकों को, कैसे कपड़ा लेना है? कैसे कपड़ा ग्राहक को यही बता रहे कि मैम आप अपना मास्क लगा कर रखिए, आप सैनिटाइजर पहले कीजिए, हमसे दूरी रखिए, दूर से कपड़े को देखिए और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपना सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, और दुकानदार को भी। आप लोग किस तरह सेफ्टी बना के दे रहे हैं? हम लोग अपना सेफ्टी बना के रखे, अपने आप को मास्क लगाए हैं, मुंह में कपड़ा मास्क लगा के सैनिटाइजर रखे हुए हैं, कस्टमर को सैनिटाइज कराते हैं, अपने भी करते हैं 15 मिनट में, हैंड ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, हैंड ग्लव्स पहन के काम कर रहे हैं हम लोग, सबकी दुकान में हैंड ग्लव्स पहन के ही काम कर रहे हैं। मेरा नाम हरदेव सिंह है, हरदेव सिंह। कितने महीने के बाद दुकान खुला? 3 महीने के बाद दुकान खुली है। 8 डेज के बाद शॉप खुली है, और खुलने के बाद कम से कम हम लोग जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ठीक ठाक कर रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम रूटीन में आने की कोशिश कर रहे हैं। 3 महीने तक कितनी परेशानी सामना करना पड़ा था आप लोगों को? काफ़ी परेशानी है, खुद के लिए भी है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एज ए स्टाफ काम करते हैं, जो साथ में एम्प्लॉयड हैं, सारे लोगों के लिए परेशानी। हर आदमी एक तरह से रोड की तरफ जा रहा था कि अब रोड पर आने की बारी होगी। लोग आएंगे जब सामान लेने, किस तरह का लोगों को देंगे? हमें कोशिश हमारी यही रहेगी कि हर चीज़ जो हमें जो सरकार ने बताई है उसके हिसाब से हम उसको पालन करते हुए अपना काम करें। क्या क्या जिसमें आप लोग पालन करेंगे? जैसे हमने सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह, उसको मेंटेन करना है, जो हमने साइजेस वगैरह दिखाने हैं उसको भी कवर करके ही दिखाने हैं। कोशिश होगी कि अवॉइडेबल रहे, आप फाइनली पसंद करने के बाद ही उसको चेक करें। आपका नाम? गुरमीत सिंह। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। समाज सेवी चंदन यादव के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने गोलमोरी पुलिस लाइन स्थित शहीद स्थल पर शहादत जवानों की याद में श्रद्धांजलि दी। गोलमोरी में समाज सेवी चंदन यादव के नेतृत्व में 20 जवानों की हत्या के खिलाफ विरोध जुलूस निकाला गया। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में पुरुष महिला शामिल थे। जुलूस गोलमोरी पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर शहीद जवानों को नमन किया। चंदन यादव ने कहा, पूरा देश शहीद जवानों के परिवारों के साथ खड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की, बिना देर किए चीन के खिलाफ सैनिक कार्रवाई कर चीन को मुंह तोड़ जवाब दे, क्योंकि भारतवासी चीन के इस कुकृत्य से आक्रोशित है। तो
संस्था मर रहे हैं। चीन होश में आओ, भारत माता की। चौक से हम लोग पुलिस लाइन स्मारक भवन जाएंगे और हमारे जो 20 सपूत मेरे जवान जो शहीद हुए हैं, देश के लिए जो कुर्बानी देने का काम किया है, उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। और हम उन परिवार को भी विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सारी जनता उन परिवार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। हम सबसे पहले भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि इसमें जवाब हम लोग को तुरंत ऑन द स्पॉट आप चाहिए, हमें लेट नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा घर का बच्चा वहाँ शहीद हुआ है। और झारखंड सरकार से भी चाहते हैं कि झारखंड के दो लाल ने जो अपनी जवान अपनी जिंदगी गवाई है, देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको करीब करीब 1-1 करोड़ रुपया। इधर भाजपा कार्यालय में युवा मोर्चा की बैठक के बाद 20 शहीद जवानों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। इधर बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया, 30 जून को केंद्रीय इस्पात एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान डिजिटल के माध्यम से झारखंड के पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों के साथ जुड़ेंगे। साथ ही 20 शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा एक बैठक का आयोजन कर आने वाले 21 तारीख को संध्या 4 बजे अपने देश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी झारखंड राज्य के कार्यकर्ताओं को एवं आम जनता को संबोधित करने वाले हैं। उस विषय पर लेकर डिजिटल माध्यम को अपनाकर जमशेदपुर से अधिक लोग जुड़े, इसको लेकर बैठक में तैयारी की गई। साथ साथ इस प्रकार चाइना के द्वारा भारतीय सैनिकों पर। उधर सांची रेडीमेड बाजार में चीनी राष्ट्रपति का पोस्टर और झंडा जलाया गया। सैनिकों की हत्या करने के खिलाफ सांची रेडीमेड मार्केट में रेडीमेड दुकानदार एसोसिएशन की ओर से चीनी राष्ट्रपति का पोस्टर और चीनी झंडा जलाया गया। एसोसिएशन के सदस्य बबुआ सिंह ने कहा, चीन के इस कुकृत्य का पूरा विश्व निंदा कर रहा है। सांची रेडीमेड मार्केट एवं थोक खुदरा विक्रेता संघ की ओर से धोखेबाज, दगाबाज, विश्वासघाती चीन के राष्ट्रपति का आज तस्वीर का दहन किया जा रहा है और साथ ही साथ चीन का झंडा भी जलाया जा रहा है। जिस प्रकार चीन ने पूरे दुनिया को त्राहिमाम करा दिया है, वुहान से निकला हुआ जो कोरोना वायरस मानव सभ्यता को कलंकित करने का काम किया है और उसे मानव जाति कभी भी माफ नहीं कर सकती है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा जो भारत के लद्दाख सीमा पर किस प्रकार उन्होंने विश्वासघात का काम किया है, पूरे भारतवर्ष में आक्रोश फैला हुआ है। मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे। वहीं साक्षी गोल चक्कर पर आज सो पार्टी जिला कमेटी की ओर से चीनी राष्ट्रपति की तस्वीर और चीनी झंडा जलाया गया। इधर बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया, 30 जून को केंद्रीय इस्पात एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान डिजिटल के माध्यम से झारखंड के पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों के साथ जुड़ेंगे। साथ ही 20 शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। हमारे देश के वीर शहीदों को जो धोखे से चीन द्वारा हमला करके उनकी हत्या की गई है, उसके विरोध में आज आजसू पार्टी ने
जिनपिंग का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है और इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग विरोध करते हैं और घोर निंदा करते हैं ऐसे कार्रवाई की जो धोखे से हमारे देश के वीर जवानों के ऊपर हमला हुआ। हम आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि पूरा देश आपके साथ है, चाहे सारे दल के लोग दलीय भावना को भूल के आज आपके साथ खड़े हैं। आप बड़ा फैसला लीजिए, चीन के ऊपर कोई निर्णायक फैसला लीजिए और साथ ही साथ इस देश में चीनी समाज। वहीं सरायकेला जिला के चांडिल थाना अंतर्गत आसनबनी पंचायत के जामडी गांव के एक व्यक्ति ने डैम में डूबकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चांडिल थाना अंतर्गत आसनबनी पंचायत के जामडी गांव का 45 वर्षीय व्यक्ति सरकार मांझी जंगल स्थित सात नाला डैम में डूबकर आत्महत्या कर लिया। वहीं सरकार मांझी की पत्नी सरला मांझी ने बताया कि कल 10 बजे खाना खाकर निकले और रात को घर वापस नहीं आए। सुबह गांव के लोगों के साथ जंगल में खोजने गए तो सत नाला पहाड़ी डैम के किनारे कपड़ा चप्पल देखकर पहचान किया गया। वहीं चांडिल पुलिस शव का पंचनामा कर सदर अस्पताल सरायकेला भेज दिया है। बताया कि तत्काल शव का निरीक्षण किया गया, यूडी केस किया गया है। तो हम इसलिए वापस आ गए हैं कि हमने मेरा बंदा तो ही है। ओ, मतलब खेती तरफ से आए हैं। खेती तरफ से आकर के खाना उना खाया, खाना उना खाया और वहाँ बैठे बैठे करके सब दिन तो मतलब वो जंगल जाता है ना। हाँ, सब दिन जंगल जाता है, अकेला ही जाता है। अच्छा। हाँ यार, किसी को बोल के नहीं जाता है, और दिन भी जाता है। तो जंगल का मैंने क्या चीज के लिए घर, मैंने घर का लकड़ी उकड़ी हाल लाने। अच्छा। हाँ, किसी को बोला नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा सोरोला नाम। आसन के मुखिया जी, मुखिया पति के द्वारा हम लोग को सूचना मिला कि आसन के जामडी टोला के नाला में जैसे करीब 50 साल व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर हम लोग आए, वहाँ पर गए, घटनास्थल पर आए कि यहाँ प्रथम दृष्टया जो है सो पानी में डूबने से मृत्यु बुझाता है। वो व्यक्ति नहाने के पहले चप्पल अपना कपड़ा खोल करके पानी में थे हुए हैं और परिवार के लोग भी अभी फिलहाल ऐसा कुछ संदेह नहीं जाहिर कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद अग्रिम कार्रवाई। उसका शिनाख्त हो चुका है? हाँ, शिनाख्त हो गया है। क्या नाम उसका? सरकार मांझी है। उनका 47 वर्ष। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार। और लॉकडाउन में सरायकेला के राजनगर में सादगी से मनाया गया राहुल गांधी के 50वां जन्मदिवस पर राजनगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने मास्क एवं फल वितरण किया। राजनगर में राहुल गांधी का जन्मदिन सादगी से मनाया गया। आदिवासी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्री विश्वनाथ के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने आज भारत के कांग्रेस पार्टी के घर के अध्यक्ष राहुल गांधी के 50वीं जन्मदिवस के मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों के बीच फल का वितरण किया एवं राजनगर बाजार में सैकड़ों राहगीरों को मास्क वितरण किया गया और लोगों को कोविड-19 महामारी से बचने व रोकथाम के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर आदिवासी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विश्व हेमब्रम, राजनगर प्रखंड प्रभारी राज बागती, प्रखंड अध्यक्ष भरत कुंभकार आदि उपस्थित थे। जन्मदिन को सादगी पूर्वक हम लोग मना रहे हैं और इस राहुल गांधी के जन्मदिन पर हमारा केंद्रीय कमेटी और राज कमेटी जो है ना, निर्देश के अनुसार हम लोग आज मैंने हॉस्पिटल में
और भीड़ भाड़ इलाका में हम लोग जो है ना मास्क और मैंने फल का वितरण हम लोग कर रहे हैं। पार्टी का 50वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसमें हम लोग को राहुल गांधी जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि इसको सादगी और ये से मनाया जाए, तो हम लोग आज कोरोना वायरस के चलते जो देश में महामारी फैली हुई है, इसको देखते हुए हम लोग इसको बहुत ही सादगी के साथ मना रहे हैं और अस्पताल में और मरीजों को फल वितरण किया जा रहा है। और हम लोग कुछ चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। लद्दाख में शहीद हुए गणेश हांसदा को राजकीय सम्मान के साथ दी गई विदाई, अंतिम यात्रा में उमड़े सैकड़ों लोग। चीन के हमले के बाद लोगों में आक्रोश, चीन के राष्ट्रपति का पुतला और झंडा को जलाया गया। मानगो के जवाहर नगर में चोरी की ऑल्टो कार लावारिस स्थिति में मिली, पुलिस कर रही जांच। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।